ओम शांति। आज रात्रि क्लास की सभा में हमादरणीय सूरज भाई जी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक सम्मान करते हैं। सूरज भाई जी की क्लास का सभी को इंतज़ार था। जैसा नाम है आपका सूरज भाई, ऐसे ही ज्ञान सूर्य की बहुत सारी रश्मियाँ अपने अंदर संजोए हुए हैं और इस तरह से बिखेरते हैं जिससे सुनने वाले अभिभूत भी हो जाते हैं और इन रश्मियों को पाकर शक्तिशाली भी बन जाते हैं। आपकी वाणी में प्यारे बाबा ने एक विशेष जादू की गिफ्ट दी है। भट्टियों के द्वारा ब्राह्मणों को रिफ्रेश करना, ये आपकी एक्सपर्टाइज कहूँ या बहुत बड़ी विशेषता कहूँ। आज हम सब लकी हैं जो आदरणीय सूरज भाई हम सब के बीच है। आज सूरज भाई से मैं निवेदन करती हूँ कि आज के समय में साधन और साधना, इन दोनों का संतुलन बना करके हम अपनी परिपक्व अवस्था, अपनी संपन्नता की ओर जल्दी से जल्दी कैसे आगे बढ़े, इस विषय पर मार्गदर्शन दे आदरणीय सूरज भाई। ओम शांति। आप सभी शांति वन में आकर आनंदित और चार्ज हो गए होंगे, हो गए है ना? आने वाले समय में इस संसार को महान योगियों की जरूरत होगी, जो अनेक आत्माओं को चैन दे सकें, जो प्रकृति को शांत कर सकें, जो पूर्वज बनकर सभी की पालना कर सकें। ऐसी आत्माएं संसार के भी बहुत काम आएंगी और भगवान के भी बहुत काम आएंगी। कौन कौन चाहेंगे आप में से ऐसा करना? अच्छा, समझ ली मेरी बात इतनी जल्दी? मैं सोचा बहुतों को समझने में देर लगेगी। सचमुच महान आत्माएं, योगी आत्माएं इस संसार के लिए लाइट हाउस हैं, चलते फिरते लाइट हाउस। और जो कुमार बैठे हैं, मैं उन्हें पहले कहूँगा, हाथ उठाएंगे कुमार, अपने जीवन को चलता फिरता महान तीर्थ बनाएं, क्योंकि तीर्थों पर तो हाल बिगड़ रहा है। आप सब सुन रहे होंगे, मैं भी कम सुना पर थोड़ा देखा और मुझे सुनाया लोगों ने, 6 डिस्ट्रिक्ट 50% नष्ट हो गए, पशु तो न जाने कितने बह गए, ऐसी त्राही त्राही। उसका एक सीन मैं आपके सामने रखूंगा जो साधनों से जुड़ा हुआ है। हम चलते फिरते महान तीर्थ बने, क्योंकि उन तीर्थों पर, कहना तो उचित नहीं पर, भक्ति कम पाप ज्यादा बढ़ गया है। हम ऐसे चलते फिरते तीर्थ बनेंगे जिससे संसार की आत्माओं को पुण्य कर्म करने की प्रेरणा मिले। और जो ग्रस्त वाले बैठे हैं अधर कुमार, उन्हें मैं कहूंगा, उनके लिए भी ये बात उतनी ही सार्थक है
परंतु वे अपने अपने घरों को ऐसा शांति धाम बनाएं जहां आकर लोग शांति लें, चैन पाएं, समस्याओं से मुक्ति मिले, जहां आकर उनके विघ्न नष्ट हो जाएं। तो साधनों की बात की है। कल से मुझे किसी ने एक समाचार सुनाया, मैं तो इतनी टीवी आदि नहीं देख पाता हूं, कहा टीवी पे दिखा रहे हैं एक मनुष्य चिल्ला रहा है मुझे पानी दो, दो चार बार पुकारा उसने, फिर कहा कोई मेरी सुनता हो तो मुझे पानी दो, मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, वो ले लो, मुझे पानी पिला दो। कोई नहीं, क्योंकि पानी था नहीं, कहीं लाशें सड़ रही हैं, गंदा पानी हो गया है, पी के मरना है। कहा कुछ समय में उसकी मृत्यु हो गई। सोचो आप, पैसा काम आया। एक उदाहरण है ये, तो ऐसे वहां लाखों हुए होंगे, लाखों। इसलिए जो मनुष्य अपने धन को पुण्यों में बदल दे, उसके पुण्य ही उसको काम आएंगे। धन काम नहीं, धन से जितने पुण्य कर लिए, यानी धन को पुण्यों में कन्वर्ट कर दिया, वो पुण्य उसकी जीवन नैया को पार लगाएंगे। फिर उसने क्या किया था इससे पहले, जो डेड बॉडीज पड़ी थी उनकी जेबों से मोबाइल निकाले कि कहीं फोन करता हूं, और वो जो बड़े बड़े मोबाइल आजकल आए ना, बड़े महंगे महंगे, मुझे भी लोग कहते हैं कि ले लो, मैंने कहा अरे भाई मैं क्या करूंगा इसे वो निकल गए कईयों की जेब से। उसने फोन करने की कोशिश की, वो तो डब्बे थे, टावर के बिना मोबाइल क्या है, खिलौने हैं, खेलते रहो। तो न साधन काम आए न धन काम आया। अब रोज वहां की ये भयानक घटनाओं का चित्रण टीवी पे दिखा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि विनाश काल में साधन नहीं, केवल साधनाएं काम आएंगी। इसलिए मैं सभी युवकों से कहूंगा, अपना बहुत समय इलेक्ट्रॉनिक्स में न दें। इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में इंटरनेट, मोबाइल ही ऐसे आ गए इंटरनेट, दुनिया भर की बातें उनमें, कईयों का लंबा समय इसमें जाता है, कुछ फायदा नहीं होगा। न टू मैनी इंफॉर्मेशन आपको कुछ देंगी, न इससे कोई मनोरंजन होगा। इसलिए साधनों का यूज उतना ही करें जितना हमारे लिए उपयोगी है, बाकी साधनों में सारा समय न बिताएं, क्योंकि साधनों ने भारत में विशेष रूप से क्या कर दिया है कि या तो संसार में ही है तो युवा वर्ग को अपनी ओर बहुत बुरी तरह से आकर्षित कर लिया है, और युवक इसमें फंसकर अपनी आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं, और इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। बचेंगे इससे, बचेंगे, बचेंगे, बड़ा मजा है इसमें भी, लेकिन बचना है, क्योंकि मेरे पास कई युवक ही अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं कि इंटरनेट पर गंदी चीजें देखने से उनका क्या हाल हो गया है, जीवन की यात्रा जटिल हो गई, कटिली हो गई। इसलिए अपने मार्ग में कांटे खुद नहीं बोने हैं। बहुत सुंदर समय चल रहा है, समय की डिमांड है, अब ले लो जो कुछ लेना है। मैंने सुना आज भट्टी का आखिरी दिन है, ऐसा ही कल कुछ बहुत अच्छी उमंगे लेकर आप वापस घर जाएंगे। मैं आपसे कुछ चिंतन कराना चाहता हूं, अपने से बात करें सभी। संगम युग के ये सुंदर दिन हम कैसे बिता रहे हैं? भाग्य बनाने के स्वर्णिम अवसर को हम कैसे यूज कर रहे हैं? प्रभु मिलन का परम आनंद इस काल में लिया जा सकता है, हम कहीं उलझ तो नहीं गए हैं? कहीं सेवाओं में भी हम उलझ तो नहीं गए हैं?
जो बुद्धिमान हैं बाबा के बच्चे, वो चिंतन करें, ये सुंदर समय ईश्वरीय शक्तियां भरने का है, वही काम आएंगी। इस समय को जिसने नष्ट कर दिया, आने वाला समय उसको भी नष्ट कर देगा। खुद बहुत अच्छा चिंतन सभी करें, हम क्या कर रहे हैं, कहीं अपनी जीवन की धारा हमने बदल तो नहीं ली है, कहीं निगेटिविटी का प्रकोप हमारे पास तो नहीं हो गया है, कहीं संसार की बढ़ती हुई चकाचौंध में हम भी तो स्लिप नहीं हो गए हैं। चिंतन करें, सत्य वही है जो रोज मुरलियों में बाबा कहता है, संपूर्ण सुख उसमें ही है जो रोज हम सुनते हैं। इसलिए साधना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देना है सवेरे के योग को और मुरली को। जो भी इस जीवन में अमर बनना चाहते हैं, अमर कुमार, अमर अधर कुमार, वो इन दो चीज़ों पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं। माया से युद्ध भी बहुत प्रबल होता है, और सभी को पता होना चाहिए अपनी वासनाओं को बिना योग बल के जीता नहीं जा सकता। कोई सोचे हमने तो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली है, हमने तो ब्लड से लिख कर दे दिया है, हमने तो भगवान को वचन दे दिया है, ये बातें अच्छी हैं, मनुष्य में दृढ़ता लाती हैं, परंतु वासनाओं को बिना योग बल के शांत नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत लोग जाते रहते हैं, क्योंकि वासनाओं के अधीन हो जाते हैं। हमें साधनाओं पर ध्यान देना है। मेरे से किसी कुमार ने अभी पीछे बाहर प्रश्न पूछा, मैं ही बाबा की एक बहुत गुह्य बात सबको सुनाया करता हूँ, मेरे अनुभव में भी बहुत आ गई है वो। बाबा ने कहा, जो आत्माएं साक्षी भाव में रहती हैं वे एक मास का काम एक घंटे में ही कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ एक दिन का काम दो मिनट में, सोच के देखो, एक मिनट, एक दिन का काम दो मिनट में कर लेंगे। और बाबा जो सदा साक्षी है वो तो सालों सालों का काम सेकंड में कर लेता है। तो पूछ रहा था ये कैसे होगा, मैं तो उसको हंसी में कह दिया 8 घंटा रोज योग 20 साल करो। उसने मेरी बात सुन के सोचा भी होगा 20 साल पता नहीं बचे हैं या नहीं, लेकिन सत्य यही है कि बहुत पावरफुल योग लंबा काल करने के बाद ही इन चीज़ों की अनुभूति होती है कि हमारी आंतरिक शक्तियाँ कितनी बढ़ गई, और आंतरिक शक्तियाँ बढ़ने से हमारे काम फटाफट पूरे होते हैं, निर्विघ्न होते हैं, सफलता मूर्त हो जाते हैं, हम वरदानी बन जाते हैं हम। तो सभी, अब मैं आपको दूसरी बात पर ले चलता हूँ, अपनी शक्तियों को पहचाने। सबसे बड़ी वीकनेस सभी मनुष्यों की, संसार में तो कोई इस बारे में कुछ जानता ही नहीं, लेकिन बाबा के बच्चे भी इस बारे में बहुत कम जानते हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचान कर उसकी स्मृति में रहने से हम महसूस करेंगे हम बहुत पावरफुल हैं, माया से बहुत पावरफुल हैं, समस्याओं से बहुत पावरफुल हैं। दोनों बातें, हम समस्याओं से भी बहुत पावरफुल हैं, हम माया से भी बहुत पावरफुल हैं। इस अवेयरनेस में, इस स्मृति में, इस जागृति में सभी आ जाएं, हैं या नहीं? ये बात आपको रोज एक दो बार अपने को याद दिलानी है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आजकल दिया करता हूँ, शेर का बच्चा क्या होगा,
याद रहेगा आपको ये उदाहरण। अगर शेर के बच्चे के पीछे चार कुत्ते पड़ जाएं, भौं भौं करने लगे और शेर का बच्चा भागा है डर के, जब शेर के पास आएगा तो शेर क्या कहेगा? क्या कहेगा? तुम शेर के बच्चे हो, मेरी भी इज्जत गंवा दी। एक बार अगर कुत्तों की ओर देख लेते तो सारे कुत्ते ना भाग जाते। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, उसकी अनंत शक्तियां हमें मिल चुकी हैं। एक्सेप्ट करें इसे सभी, स्वीकार करो। हम निर्बल हैं ही नहीं, जिन्होंने माया को चुनौती दी है वो बहुत पावरफुल हैं। छोटी बातों से, छोटी परिस्थितियों से घबराकर हम अपनी शक्तियों को भूल न जाएं। याद रखना, जब भी आप घबरा जाएं, परिस्थितियों से डर जाएं, तो याद करना मैं शेर का बच्चा कुत्तों से डर गया हूँ, कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, मेरे पीछे आ गए हैं, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। एक बहुत अच्छी बात रोज सभी को करनी है, जो मैंने भी इस बार शुरू की और आप सबको भी करनी है, बाबा मिलते हुए तमिलनाडु के ग्रुप से एक बहुत सुंदर बात कही थी उन्हें, जो पता नहीं उन्हें तो याद है या नहीं, पर मुझे वो बहुत प्रिय लगी, कि कोई भी कर्म करने से पहले बाप से सफलता का वरदान लेकर ही जाना। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी करेंगे, रोज एक बार कर लेंगे, सवेरे 4 बजे करें, 5 करें, 6 करें, सवेरे भूल जाए इवनिंग में कर लें 6 बजे 7 बजे, रोज एक बार अवश्य करना। और क्या है वो प्रैक्टिस? सूक्ष्म लोक में बाबा के पास चलेंगे, बाप दादा, और एक विजन देखेंगे कि बाप दादा हमें दृष्टि देते हुए हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। बाबा के मस्तक में शिव बाबा महाज्योति चमक रही है, चले आ रहे हैं, हमारे पास आ गए और आकर हमारे मस्तक पर तिलक लगाया और 3 वरदान दिए। पहला, बच्चे विजयी भव, बहुत जल्दी न करना, अंदर जाने देना, मिल गया वरदान, बच्चे विजयी भव। 10 सेकंड के बाद दूसरा, विघ्न विनाशक भव, 10 सेकंड के बाद तीसरा, सफलता मूर्त भव। गुड फीलिंग के साथ इन 3 वरदानों को रोज लेना, 7 दिन तक लगातार लेंगे, आदत पड़ जाएगी। फिर कहीं भी कोई कार्य करने जा रहे हैं, इनको 3 को लेकर ही जाना। पसंद है? आपको दिखाई देगा आपका जीवन निर्विघ्न बनता जा रहा है, आपके पास विघ्न विनाश करने का वरदान आता जा रहा है, और जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसकी सफलता प्रारंभ हो गई है। चाहे आपको जॉब की तलाश हो, चाहे आपके बिजनेस में कोई गड़बड़ चल रही हो उसको आपको ठीक करना हो, चाहे आपके संबंधों में, परिवारों में कुछ हो रहा हो उसको आपको ठीक करना हो, चाहे आप सेवा के फील्ड में कार्यरत हों वहाँ कुछ सफलता आपको पानी हो, किसी को कोर्स आप करा रहे हैं वहाँ पर ये अभ्यास करना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। ये बहुत जरूरी है जीवन में कि सवेरे के समय हम सभी स्वयं को चार्ज कर दिया करें। बहुतों के साथ क्या गड़बड़ हो रही है, सवेरे उठे आप सब जानते हैं, कभी सुस्ती आ रही है,
पाँच मिनट और सो लें, फिर सीधे 5 बज जाते हैं। कभी उठे तो कुछ विचार ही नहीं चल रहे, ब्रेन डल है, क्या करें, मुंह भी धो लिया, सब कुछ कर लिया, योग लग नहीं रहा है। कभी रात के स्वप्नों का इफेक्ट हो रहा है, तो कभी पास दिन की बहुत चीज़ें याद आ रही हैं। इसलिए सभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सवेरे के समय को कैसे यूज करें, इसकी एक प्लानिंग बनाएं। ये साधना होगी बहुत सुंदर। मैं 2-4 बात आपको सजेस्ट करता हूँ। उठते ही 10 मिनट अव्यक्त मुरली पढ़ लें। जिनके घरों में VCD चलाने का इंतजाम है, अव्यक्त मुरलियों की VCD मिल रही, DVD मिल रही है यहाँ, वो ले जाएं। 10-15 मिनट अव्यक्त मुरली चला लें, साकार मुरली चला लें, ब्रेन को एक्टिवेट करें सवेरे सवेरे। कुछ ना हो आपके पास, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शांत में बैठकर 21 बार लिख लें। ये छोटी विधि हैं, थोड़ा घूम लें कहीं भी, घर में ही जगह हो घूम लें और बहुत अच्छे अभ्यास कर लें। सवेरे आपको अपने को एक्टिवेट करना है, चार्ज करना है, इसके बिना योग में आनंद नहीं आएगा। चले अब ये वरदान लेंगे तीनों बाबा से, सभी अपने अपने ढंग से वरदान ले लें। शांति से
साधनाओं के आनंद के लिए मैं सभी को छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। पर एक बहुत सुंदर चीज मुझे याद आ गई है, बहुत बड़ी लेकिन करनी सभी को है। बाबा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर स्वमान दिया हुआ है, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है। और इसमें एक बहुत गुह्य बात ये कही है, अगर अपने पूज्य और पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो स्वतः ही सबकी पालना होती रहेगी। अटेंशन, सुन लिया सभी ने? पूज्य और पूर्वज की स्मृति से सब धर्मों की आत्माओं की पालना होती रहेगी। तो मैं सभी को कहूँगा, सभी को करना है, रोज सवेरे एक बार, टाइम मैंने कह दिया 6 बजे तक, इस स्वमान में स्थित होकर कि मैं पूर्वज हूँ, सारे संसार की आत्माओं को दृष्टि दिया करें। 1 मिनट का काम होगा और जो सुखद फीलिंग अपने को होगी वो बहुत वंडरफुल होगी। शुरू करेंगे आप? ये कुछ चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं जो आपको रोज करनी है अपनी साधनाओं में, ताकि साधनों से आपका मन विरक्त होता जाए और साधनाओं का सुख होता जाए। देखिए, सभी धर्मों में भी ये बात हुई है, धर्मों में ज्ञान बहुत अच्छा आया, शुरू में लोगों ने प्योरिटी शुरू कराई, अच्छी धारणाएं शुरू कराई, पर धीरे धीरे साधनाएं नष्ट होती गई तो धर्म नाम के रह गए। हम सभी को इस ब्राह्मण धर्म को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए, इस कल्प वृक्ष के तने को बहुत मजबूत करने के लिए साधनाओं पर विशेष जोर देना है। सभी साधनाओं को अपना आधार बनाएं। हम साधनाएं करेंगे तो समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी, हम साधनाएं करेंगे तो जीवन का आनंद बहुत बढ़ जाएगा। मैं लोगों को देखता हूँ, कईयों का लंबा समय समस्याओं में जाता है, रोज रोज 5-10-8 घंटे समस्याओं में चले जाते हैं, मन की उलझनों में चले जाते हैं। आप अटेंशन दें, अगर 4 घंटे भी कोई मनुष्य अपने लिए लगाने लगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको 4 घंटे योग करना है बैठ के, 4 घंटे अपने लिए लगाने लगें तो ये समस्याएं लोप हो जाएंगी। इस सूक्ष्म गति पर सभी बहुत ध्यान देंगे। मुरली सुनना है हमें रोज, कौन कौन सुनते हैं रोज मुरली? सचमुच, वेरी गुड। देखिए, मुरली पढ़ना अलग चीज है, भले ही आजकल बाबा कह देता है नहीं सुनते तो पढ़ लो, लेकिन सभी को 1 घंटा रोज मुरली का अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है। मैं ये कह रहा हूं मुरली इसलिए आप भले न सुनो कि उसमें ज्ञान है, ज्ञान तो है, लेकिन आपको मुरली इसलिए सुननी है कि मुरली सुनने में परम आनंद है। 1 घंटा रोज सभी अपने जीवन को ईश्वरीय सुखों से भरें। और उसके 2 तरीके मैं बताता हूँ, ये वो तरीके हैं जो मैंने जीवन भर किए हैं, मैंने और भी किए हैं, लेकिन 2 आपके लिए उपस्थित हैं या प्रस्तुत हैं। 1, मुरली सुनते हुए हम इस गुड फीलिंग में आ जाएं, स्वयं भगवान मुझ आत्मा से बातें कर रहा है, रस लें, आपको दिखाई देगा
अनुभव होगा कि रोज बाबा हमें कुछ स्मृतियां दिलाता है, कुछ याद दिलाता है, हमारी सोई हुई चेतना को जगाता है, हमारी सोई हुई शक्तियों को एक्टिवेट करता है, हमारी दबी हुई प्योरिटी को परफेक्ट कराता है। भगवान मुझसे बातें कर रहा है, बहुत आनंद आएगा। दूसरा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लें, बीच बीच में ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, 10-10 सेकंड भी कर लें कई बार, इससे मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता का सुख बहुत जबरदस्त सुख है। और भी कुछ तरीके जो मैं अपनाता हूं आपके सामने रख देता हूं, चुन लें आप उसमें से कुछ भी। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूं, मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। इस फीलिंग में बैठ के मुरली सुनना, ये नहीं कि लगातार हमको ये करना है मुरली मिस हो जाए, वो नहीं, बीच बीच में 5-5 सेकंड ये संकल्प कर लेना है। मैं आत्मा ब्रकुटी सिंहासन पर बैठकर मुरली सुन रही हूँ, बुद्धि को आदेश दे दे, संकल्प दे दे, कमांड दे दे, है मेरी बुद्धि जो सुंदर बातें बाबा कहे उन्हें अभी अभी ग्रहण कर लेना। देखेंगे आप मुरली का परम सुख, योग जैसा ही सुख होगा। आप चार्ज हो जाएंगे एक घंटे में, एक घंटा देना है। बहुतों के साथ क्या होता है, भाग दौड़ के मुरली सुनने आ रहे हैं, मुरली सुनते ही फिर भाग रहे हैं, ड्यूटी पे जाना है भाई फटाफट फटाफट। अब कुमारों को तो और भी कुछ कुछ काम होते हैं, भले ही आपको जल्दी हो लेकिन एक बात को चेंज करेंगे, मेंटेलिटी को चेंज करेंगे। ध्यान से सुन लें सभी भाई बहने, भाई बैठे हैं, हर कर्म को एंजॉय करो, सहज भाव से करो, एंजॉय करो। मान लो आपके पास मुरली सुनने के लिए आधा घंटा ही है ना, आधा घंटा तो आधे घंटे का आनंद लो, घड़ी ना देखते रहो, आधा घंटा ना हो जाए, देर ना हो जाए, ये नहीं, आधा घंटा है उसका आनंद लो। मैंने ये बात दादी जानकी से सीखी थी, तो वो किसी के घर 5 मिनट भी जाती है तो साथी तो कहते रहते ना, दादी 5 मिनट ही हैं, जल्दी करना जल्दी करना, 5 मिनट हो गए। दादी कहती थी, अरे 5 मिनट तो है ना, आनंद से बैठने दो ना, 5 मिनट बहुत हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, कई साल पहले उन्होंने सुनाई थी, तब से मैंने भी सीख लिया था। हम भी जाते हैं किसी के घर, बाहर जब रहते हैं कहते हैं भाई 5 मिनट हमारे घर पहुंचो, हम सब जानते हैं 5 मिनट तो नहीं, 15 तो लगेगा, लेकिन आनंद लेना है ना, उन्हें भी सुख मिले, हम उनके पास आए, और हमें भी ये नहीं कि जल्दी करके काम उतार के आ गए, कुछ वहाँ वाइब्रेशंस भी हो जाएं, उनको प्रसन्नता भी हो जाए। हर कर्म को एंजॉय करना। बहुत सारे कुमार भोजन बनाते होंगे अपना, जो अपना भोजन बनाते हैं हाथ उठाओ, अदर कुमार भी उठा सकते हैं, बहुत बनाते हैं, भोजन के कार्य को भी एंजॉय करेंगे। मान लो आप लेट भी आए हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी से रात को 9 बजे आए, बहुत लेट हो गए ना, अब आपको भोजन बनाना है। मनुष्य के मन में ये विचार आना नेचुरल है, 9 बज गए, थक तो वैसे ही गए, अब भोजन, अनेक नेगेटिव विचार आएंगे, लेकिन आप अपने को मेंटली फ्रेश कर दो, अब 9 से 10 मुझे एंजॉय करना है, बाबा के लिए भोजन बनाना है, आराम से भोजन बनाओ, अभ्यास करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा का आह्वान कर लो, आ जाओ, मैं अकेला हूँ, अपनी 1000 भुजाएं लगा दो मेरे साथ, थोड़ी सब्जी तुम काटो, मैं ये काम कर लेता हूँ, ये तुम कर दो, देखना आनंद, फ्रेंड बना दो उसे, एंजॉय करना है और इसी में साधनाओं को जोड़ देना है।
तो उसमें जो एन्जॉयमेंट होगा उससे आपकी जो थकान थी ना 9 बजे आप पहुंचे थे वो भी उतर जाएगी और आपको लगेगा जीवन लाइफ इज एन एन्जॉयमेंट, जीवन एक बहुत सुंदर एन्जॉयमेंट हो जाएगा। और जहां मनुष्य अपने विचारों को निगेटिव कर देता है 9 बज गए अब भोजन बनाए, बहुत लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है हमारी तो, हेक्टिक लाइफ हो गई है हमारी तो, ये विचार मनुष्य को थकाते हैं, इसको बीमार करते हैं। पसंद है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये कितना सुंदर संकल्प है। मैं कुमारों को विशेष कह रहा हूं पर सभी के लिए है। पानी आपको चार्ज करके ही पीना है, अपनी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी थकान को मिटाने के लिए, अपनी बीमारियों को खत्म करने के लिए। पानी को चार्ज करने के 2 तरीके, दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें मैं परम पवित्र आत्मा हूं। आप बिल्कुल इस सुंदर साइंस को समझ लें, पानी बिल्कुल पवित्र हो गया, समझ लें आप अमृत पिएंगे, और उसे आप पिए, उठते ही पिए, सोते हुए पिए, 3-4 बार दिन में पिए, आपकी प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे देह में भी बहुत इम्प्योरिटी है, आत्मा को तो हमें प्योरीफाई करना ही है पर देह की प्योरिटी को भी हमें बढ़ाना है, कर्मेंद्रियों को भी हमें शीतल करना है। इसलिए ये चार्ज्ड वाटर इस काम में बहुत मदद करेगा। और भोजन जब इसी स्मृति में बनाएंगे तो ये भोजन हमारा बहुत कल्याण करेगा। जिन सभी भाइयों को बहनों को भी अपनी प्योरिटी को एक एन्जॉयमेंट बनाना है, इसको एक नेचुरल स्वरूप देना है, वो ये 2 चीज़ें बहुत करें, पानी चार्ज करके पीना चाहे दूध भी, और भोजन मैं परम पवित्र आत्मा हूँ जितनी बार हो सके इसको अभ्यास करना। देखिए बहुत सुंदर फिलोसोफी आपको ख्याल रहे, जो संकल्प हम मन में कर रहे हैं वैसी ही वेव्स, वैसे ही वाइब्रेशंस हमारी आँखों से, हमारे हाथों से निकल रहे हैं, वो भोजन में जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप टच कर रहे हैं उसमें वो जा रहे हैं। तो ये भोजन आत्मा के लिए भी बहुत बहुत कल्याणकारी हो जाएगा। अगली चीज साधनाओं में, मैं बहुत सिंपल बातें आपको बता रहा हूं ताकि आप कर्म में इनको जोड़ सकें। एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, बड़ी एंजॉयबल है, बड़ी आनंदकारी, बाबा का आह्वान करना, इसको भी आप अपनी नेचर बना दें। और इसको नेचर बनाने के लिए कुछ दिन तक 5 बार बाबा को बुलाओ, भले इसमें आप 3-3 मिनट लगाओ, फिर 3 मिनट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम धाम में बुद्धि को ले जाकर शिव बाबा को प्यार से निमंत्रण दो, आ जाओ, दोस्त बना लो, सभी भाई बैठे हैं, शिव बाबा को अपना सुप्रीम फ्रेंड बना लो, बाप दादा को बना लो, प्यार से निमंत्रण दो, खुदा दोस्त, हंसी करो ना बाबा से, बहुत देर हो गए ऊपर बैठे, अकेले बैठे हो, मन भी कहाँ लगता होगा, आ जाओ, ठीक है। और देखो शिव बाबा नीचे उतरने लगे, अब उसे देखना है आपको, किरणें फैलाते हुए शिव बाबा नीचे आ रहे हैं, जितनी देर आप देखेंगे मन आनंदित हो उठेगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, आ रहे हैं नीचे। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट हुए, अब दोनों नीचे आ रहे, डिवाइन एंजल आकाश मार्ग से चारों ओर तेज फैलाता हुआ नीचे आ रहा है, आ गए हमारे सामने, 3 मिनट लगा दो इसमें, सामने खड़े हैं, दृष्टि दे रहे हैं, सिर पे हाथ, हमारे सिर पे बाबा ने अपना हाथ रख दिया है, बाबा के अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, देखते रहो इसे, बहुत सुंदर योग हो जाएगा।
और यही योग हमें पावरफुल योग की ओर ले चलेगा। सवेरे एक बार बुला लो, 4, 5, 6 बजे। काम पर जा रहे हैं बुला लो, बाइक है आपके पास बुला लो कि बैठो, पीछे की सीट आपके लिए खाली है, वापिस आओ साथ ले आओ, शाम को बुलाओ, सोने से पहले बुलाओ। ये योग भी एक सुंदर मनोरंजन बन जाएगा और फिर आपको आदत पड़ जाएगी। देखिए विनाश काल में इतने सुंदर अनुभव होंगे, मुझे पूरी क्लियर विजन है। बाजार में बम रख दिया गया है, आप भी वहां हैं, आपको आदत है, भगदड़ मच गई है, बम बम बम, और आपको आदत है बाबा आ जाओ, बस आप संकल्प करेंगे बाबा आ जाओ, बाबा आपके पास आ गया। और जब तक आप वहां से सुरक्षित न निकल जाएं, बम फटेगा ही नहीं। ये दिल्ली में हो चुका है, पहाड़गंज में भरे बाजार में बम विस्फोट हुआ था, अपनी कोई माता निकल गई तब बम फटा। ये बाबा की प्रैक्टिकल मदद बहुत ज्यादा अनुभव होंगी, लेकिन होंगी उनको ही जिन्होंने बाबा को साथी बनाया होगा। अब एक और सुंदर बात, पसंद है ना, ये कर लेंगे, सभी करो, भोजन बना रहे ना तब बुला लो, 1000 भुजाओं सहित आ जाओ, बातें करो खुदा दोस्त से, ये काम तुम करो, मैं जरा बाजार जा रहा हूं, तुम यहां बैठे रहना, घर में चोर ना आ जाए, आनंद लो बाबा से बातें करके। देखो एक की कहानी है, एक की बहुत सुंदर ये अनुभव है मेरे पास उसका। उसके घर में भूत प्रेतों का वास था, तब मुझे पूछा क्या करूं, मैंने ये 2-4 चीजें तो बताई, नहीं कुछ हुआ। फिर मैंने उसे कहा माता जी को, तुम अपने घर में 5 बार रोज बाबा का आह्वान करो और देखो बाबा आ गया। जहां भगवान आ जाएगा भूत प्रेत तो वैसे ही भाग जाएंगे, सचमुच भाग गए। बाबा मेरा है, सब सुनते आए हैं ना, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, हमारी दादियां कहलाती भी रहती हैं। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़े, क्या सचमुच हमने उसको मेरा बनाया है? क्या सचमुच हमने अपनों में उसको शामिल किया है? क्या सचमुच हमने उसको अपने परिवार का हेड बनाया है? ये ऐसे ही कहते मेरा बाबा। अब जो अदर कुमार हैं उनसे मैं पूछता हूं, आपको 3 बच्चे हैं, क्या आपको फीलिंग है चौथा वो भी है मेरा? अगर कोई आपका संबंधी पूछे कितने बच्चे हैं तो आप 3 बताएंगे या 4? बोलो, आगे वाले बैठे कितने बताएंगे? फिर कहेंगे हैं तो 3 ही, झूठ क्यों बोल रहे, 4 हैं। लेकिन अपना तो बनाया, अपनों में शामिल करो, और जब शामिल करते हैं तो उसका हिस्सा भी निकालना पड़ेगा। या ऐसे ही सोच लो अच्छी तरह, कुमारों को भी कह रहा हूं। माताओं की एक जगह भट्टी थी, सबने कहा हम बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं, 800 माताएं थी, हाथ उठाया, आज से बाबा हमारा बच्चा। मैं बहुत समझाया, सोच लो अच्छी तरह, कहा नहीं आज से बच्चा। अगले दिन आई माताएं, किस किस का बच्चा है बाबा? 800 ने हाथ उठाया। मैंने कहा रात को बाबा को भोजन खिलाया था? अब माताएं एक दूसरे को देखें, और कहा भोजन भी खिलाना था क्या? मैंने कहा तो बच्चा शायद रात जगा होगा, कैसी मम्मी मिली, रोता रहा होगा, ऐसी मम्मी को बच्चा छोड़ के भाग जाएगा ना, किसी अच्छी मम्मी के पास चलूं। तो संबंध जोड़ना तो सहज है, निभाना। कई माताएं आती हैं, बाबा को हम अपना पति बनाना चाहते हैं। मैं समझाता हूं ये काम सबसे कठिन है,
पति एक ही होता है, फिर दो नहीं होंगे, सोच लो अच्छी तरह। बाबा को अपने जीवन में, परिवार से भी अच्छा शब्द है, अपने जीवन में शामिल कर लो, उसका हिस्सा निकालो बराबर। कुमार अगर भोजन बना रहे हैं तो एक और भी है खाने वाला, ये भूल न जाना। भले उसके खाने से आपका भोजन कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा और, पर ये भूलना नहीं है। परिवार का हेड बना दो उसे, बात सूक्ष्म है लेकिन चिंतन में लाए सभी अधर कुमार। परिवार का हेड बनाओ, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर दो, उसके सामने सब कुछ रख दो और तब देखो वो आपके बोझ कैसे हरता है, आपके जीवन की यात्रा को कैसे सरल करता है, आपके परिवारों की टेंशन, आपके बच्चों की गलत बातें जिनसे आप परेशान रहते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बुरे संग में जा रहे हैं, सेटल नहीं होते हैं, इन सब को बाबा कैसे ठीक करता है, अनुभव करके देखना है। पर ये बात भूलना नहीं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको अपने परिवार में शामिल करना है तो उसका हिस्सा उसे देना है। ऐसे नहीं कि सुदामा की तरह, क्या किया था श्री कृष्ण का सुदामा ने, सुदामा ने श्री कृष्ण का भी हिस्सा खा लिया। सुनी कहानी, दोनों गुरुकुल में रहते थे, लकड़ी लेने गए थे, रात को आंधी तूफान चल गया, एक पेड़ पर दोनों लेट गए। अभी सुदामा को भूख बहुत लगती थी, श्री कृष्ण थोड़ा सा सोने लगा, सुदामा ने सोचा कृष्ण तो सो गया तो जो था ना चेवड़ा वगैरह वो अपना भी खा लिया और उसका भी खा लिया, श्री कृष्ण का हिस्सा खा लिया और अपने नाम कंगाली लिखा गया। जब तक वो तीन मुट्ठी चेवड़े वापिस नहीं किए तब तक धन संपदा वापिस नहीं आई। हम कहीं भगवान का हिस्सा खा तो नहीं रहे, देख लेना अच्छी तरह। सभी कुमार भी बाबा साथी है ना, साथी है, जोड़ दो अपने जीवन में और उसका हिस्सा बराबर उसको देते रहो तो आपका हिस्सा बहुत बढ़ता जाएगा, आपको कोई कमी नहीं होगी, भंडारे भरपूर रहेंगे और बाबा आपकी छत्र छाया बनकर रहेगा। तो वो मेरा है ये कहने तक न रह जाए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कहते कुछ हुआ तो है ही नहीं, हमने तो कई बार कह दिया। एक कुमार, उसको बेचारे को बहुत समस्या, में बेचारा ही कहता हूँ, बहुत समस्या, लेकिन निश्चय बहुत जबरदस्त, और मुझे फोन करता कि तुम सब कहते हो बाबा बुलावे पे आ जाता है, मैं रोज बुलाता हूँ आता ही नहीं, मैं कितनी बार कहता हूँ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सुनता ही नहीं है। तो ये कहने की बात नहीं है, ये जीवन में समाने की बात है। वो हमारा साथी है, इसका नशा हो जाए, इसकी अवेयरनेस हो जाए, हम उसके उसको अपने जीवन में जोड़ लें। एक लास्ट बात और कहूँगा, वो भी साधना है हमारी, और सभी अदर कुमार और कुमार उसको अपने जीवन का अंग बना दें, और वो है समर्पण भाव। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सब्जेक्ट ही बहुत गहरा है, घंटों इस पे क्लास हो सकती है, पर सब कुछ तेरा, ये डीप फीलिंग हमें अपने अंदर भरनी है। आप जब योग करें, एक प्रैक्टिकल अनुभव इसका करके देखेंगे जीवन में, जब भी आप योग में बैठें, बाबा से बात करके बैठें, बाबा मेरा सब कुछ तेरा, ये देह भी तेरा तो बच गई मैं आत्मा, मैं भी तेरी, फिर योग करो। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्वरूप मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो आप करेंगे तो निरंतर आप बाबा से जुड़े रहेंगे और आनंद आएगा। वो ये है, अपनी सब चीज बाबा को समर्पित करने लगो। स्थूल में आप बाजार गए हैं, सब्जी लाए, दूध लाए,
कोई और आवश्यक चीजें लाए बाबा के आगे रखो। बाबा का चित्र तो सब जगह रहता ही है ना, आप एक बाबा की जगह बना लो, बाबा के आगे रखो। और मान लो आपके पास बाबा की जगह नहीं है, मन से करो बाबा ये तुमको अर्पित, अब तुम्हारी ओर से हमारी पालना होगी। सब्जी लाए हैं, छोटी सी चीज है, बाबा के आगे रख दो, तुमको अर्पित, अब तुम्हारी ओर से हम खाएंगे। सैलरी मिली आपको, बाबा के आगे रख दो, ये तुमको अर्पित, तुम्हारी ओर से हमारी पालना होगी। कपड़े लाए हैं, रख दो, तुमको अर्पित, तुम्हारा दिया हुआ पहनेंगे। बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो कुछ आप लाएं, बाबा के आगे रख दो। इससे आप एक तो निरंतर बाबा से जुड़े रहेंगे और बाबा आपकी सच्चे मन की इन चीजों को स्वीकार करता रहेगा और उसका बल आपको मिलेगा। आप कहेंगे बाबा मेरा सब कुछ तेरा, तो बाबा ऊपर से आवाज देगा, क्या मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तेरा ही नहीं, मैं भी तेरा। जीवन आनंद से भर जाएगा। इस तरह आप सभी, फिर से कह देता हूँ, अपने अपने जीवन को प्योरीफाई करें, विचारों को शुद्ध करें और इस जीवन को चलता फिरता महान तीर्थ बना दें। ओम शांति। अब हम सभी 5 मिनट ट्यून बजाएंगे भाई, अच्छी आवाज में। सभी बैठ जाएं, योग अच्छा करना है। 1 मिनट बहन जी बैठ जाओ, कुछ अनाउंस करना। हाँ 1 मिनट भाई, एडवर्टाइज वो अनाउंसमेंट भी सुन के जाएंगे। उत्तराखंड में जो महाविनाश हुआ है, मरने वालों के लिए और जिंदों के लिए हम सुंदर वाइब्रेशंस देंगे, पसंद है ना। 5 मिनट पूरे, क्योंकि जो मर गए वो तो फिर भी सुखी हैं, जिन्होंने वहाँ बहुत कष्ट पाया है और जो मर गए उनके परिवारों ने जो बहुत कष्ट अनुभव किया है, कर रहे हैं, उन सबको शांति हो। जो सभी आत्माएं अचानक मृत्यु को प्राप्त हुई हैं उनकी श्रेष्ठ गति हो। तो अब अभ्यास करेंगे हम सभी, फरिश्ते रूप में उत्तराखंड में ऊपर आकाश में हैं, बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं और हमसे नीचे चारों ओर फैल रही हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ।